धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत राव खलघाट फोर लेन के गणपति घाट पर हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। घाट पर उतरने वाली लेन पर अत्यधिक ढलान होने के कारण वाहनों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिसके कारण वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं। गणपति घाट जो कि मौत के घाट के नाम से कुख्यात हो चुका है, एक और जहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, वहीं हजारों लोग हादसों में गंभीर घायल भी हुए हैं। जानकारी अनुसार आज करीब 8 बजे नेशनल हाईवे पर राव की ओर से धामनोद जाते वक्त एक कंटेनर वाहन ने अनियंत्रित होकर दूसरी लेन से घाट चल रहे दो वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों वाहनों में आग लग गई। धामनोद TI राजकुमार यादव ने बताया कि टक्कर मारने वाले कंटेनर के चालक और परिचालक की वहीं मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहनों की टक्कर होने से वाहनों में आग लग गई। धार से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विनोद। कहाँ रहते हो? मुरैना। अच्छा, क्या घटना हुई अभी गणेश घाट में? वो घाट वो सामने वाले ने वो उतर रहा था, डिवाइडर कूट के मेरी गाड़ी में। आप जा रहे थे, घाट चढ़ रहे थे? हाँ, हम घाट चढ़ रहे, वो उतर रहा था। अच्छा। हाँ जी। तो आपकी कौन सी गाड़ी है? कार गाड़ी R5। बड़ी गाड़ी थी, ट्रेलर? हाँ, ट्रेलर। और सामने? सामने पट्टा ट्रेलर। तो फिर क्या हुआ? पत्थर ढोने वाला। अच्छा। हाँ जी। दोनों गाड़ी में आग लग गई क्या? हाँ, दोनों जल गई। जल गई है। हाँ। कितने लोग थे आप लोग? हम तो अकेले थे। आप अकेले थे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।